ककोर थाना अंतर्गत सावा चौकी में तैनात सिपाही उमा शंकर टमटा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वह 47 वर्ष के थे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। बागेश्वर के पुलिस उपाधीक्षक अंकित कंडारी ने बताया कि बागेश्वर के अड़ौली गांव निवासी उमा शंकर टमटा इन दिनों सावा चौकी में तैनात थे। शनिवार की सुबह उनके आवास में उनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें कपकोट अस्पताल भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उमा के निधन की सूचना पर उनके घर तथा गांव में मातम पसरा हुआ है। उमा शंकर की पहचान बागेश्वर के बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में भी होती थी। उमा शंकर अपने पीछे पत्नी तथा दो बच्चों के हंसते खेलते परिवार को छोड़ गए हैं। इधर बागेश्वर पुलिस ने भी सिपाही उमा के निधन पर उन्हें अंतिम सलामी दी है। हमारे सामा चौकी है जो कपकोट थाने की, वहाँ पे उमा शंकर जी पोस्टेड थे। आज सुबह इनकी थोड़ी तबीयत बिगड़ी और जिसके बाद इनको सामा से कपकोट लाया गया, तो वहाँ पे इनको मृत घोषित किया गया। जहाँ तक इनको दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हुई है। ये हमारे 47 वर्ष के थे और काफ़ी समय मतलब पिछले कुछ टाइम से सामा में ही पोस्टेड थे। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।